तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आइस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके की क्लास है आज, और उत्तराखंड जीके में आज बात जनजातियों की। तो बिना समय गंवाएं चलते आगे। अच्छा, अब आप देखें कि बागनाथ, शेषनाग और महासु ये किन जनजातियों के सबसे प्रमुख देवता हैं। तो बागनाथ जो हैं, बागनाथ, शेषनाग और महासु तीनों ही शिव जी का रूप हैं। तीनों ही की शिव जी के अलग अलग नाम हैं। बागनाथ भी शिव जी का नाम है, शेषनाग भी शिव जी का नाम है, और महासु यानी कि महाशिव, महासु या महाशिव, ये भी शिव जी का नाम है। तो राजी जनजाति के सबसे प्रमुख देवता बागनाथ, जैसे हम पढ़ते थे ना, आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन होते थे? इंद्र होते थे। उसी तरह से राजी जनजाति के सबसे प्रमुख देवता बागनाथ, भोटिया के शेषनाग, और जौनसारी जाति के महासु या महाशिव। आगे मैं यही बताऊंगा कि महासु को क्या कहते हैं, चलता या चलांदा। इनको चलता या चलांदा क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। खैर, अपने आप को पांडवों के वंशज कहते हैं जौनसारी, और कुंती को अपनी कुल देवी या कुल माता मानते हैं। जौनसारी जो हैं अपने आप को कहते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं, और पांडवों के वंशज हैं, और कुंती जो हैं वो हमारी कुल देवी हैं। जौनसारी कहते हैं अपने आप को राणा प्रताप के वंशज कहते हैं थारू, और राणा प्रताप के सैनिकों के सेवक माने जाते हैं बुक्सा। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया भी ना कहानी कि राणा प्रताप की सेना जब हार गई तो उसी में से, हालांकि राणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्होंने कभी भी गुलामी जो है स्वीकार नहीं की, लेकिन राणा प्रताप की एक जो टुकड़ी है या एक दल कह लें, जब वो हार गया तो उसी में से उनके जो बचे खुचे सेवक थे या नौकर थे वो राज परिवार की महिलाओं के साथ जान बचा करके आपके उत्तराखंड में आ गए थे। तो इस तरह से राणा प्रताप के सैनिकों के सेवक माने जाते हैं बुक्सा। खस राजपूतों के वंशज अपने आप, भोटिया जो हैं अपने आप को कहते हैं कि हम खस राजपूत हैं, यानी कि खस जाति के राजपूतों के वंशज हैं। खस जो थे ना, एंशिएंट एज में आपने सुना होगा शक, कुषाण, खस, तो ये विदेशी हमलावर थे भारत पर, आर्यों के बाद हमले हुए थे तो उसी में से एक विदेशी हमलावर थे खस। जैसे तुर्कों और मुगलों ने भारत पर हमला किया, ब्रिटिशर्स ने भारत पर हमला किया, उसी तरह से खस जाति थी जिसने भारत पर हमला किया था, उत्तर पश्चिम भारत में कुछ समय के लिए राज किया था, तो ये अपने आप को राजपूत कहते थे। तो भोटिया जो हैं अपने आप को खस राजपूतों के वंशज कहते हैं। उसी तरह से राजी जो हैं वो ये मानते हैं कि हम रजवार राजपूत हैं। राजी जाति के लोग जो हैं, राजी या वनरावत, वो ये कहते हैं कि हम रजवार राजपूत हैं। बुक्सा अपने आप को कहते हैं पवार या परमार राजपूत, दोनों एक ही नाम है। अगर आप गुजरात मध्य प्रदेश में चले जाएँ तो वहाँ ये नाम है परमार, और जब आप उत्तराखंड में आ जाएँ कुमाऊँनी गढ़वाली क्षेत्रों में तो यहाँ पर उच्चारण बदल के हो जाता है परमार से पवार। ठीक है ना, तो अब ये जो बुक्सा हैं अपने आप को पवार या परमार राजपूत कहते हैं। ठीक, अपने आप को राजा जनक के वंशज कहते हैं जाट। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है, अगर अलग अलग जातियों के साथ हेडिंग डाल के आपको लिखाया जाए तो याद करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरा अपना तरीका है, उन चीज़ों को मैंने सबको एक साथ लिखा दिया है, अब लर्न आपने करना है, इसके आपने और शॉर्ट नोट्स बनाने। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अच्छा, अब थारू जो हैं वो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन मानव विज्ञान के नज़रिए से थारू जो हैं उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जातियां हैं कोल किरात, उनमें से किरातों के वंशज हैं थारू, और कोल किरातों के वंशज हैं राजी। ठीक है, अब यहीं पर एक बात आती है कि मंगोल और डोम, मंगोल पुरुष और डोम महिलाओं के मेल के बाद, उनके रक्त के मिश्रण के बाद कौन सी जाति पैदा हुई। ये कह सकते हैं कि मंगोल पुरुषों और डोम महिलाओं की शादी के बाद जो संतानें हुई उन्हीं को हम कहते हैं राजी। सवाल इस तरह से आ जाता है कि इसमें से कौन सी जनजाति जो है वो मंगोल और डोम रक्त का मिश्रण है, तो राजी है। उसी तरह से मंगोल और तिब्बती रक्त का मिश्रण है भोटिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मंगोल पुरुष और तिब्बती महिलाओं के मेल से जो नए बच्चे पैदा हुए, जो नई जात, नए बच्चे जो पैदा हुए उन्हीं को कहा गया भोटिया। हालांकि भोटिया अपने आप को क्या कहते हैं, भोटिया अपने आप को कहते हैं खस राजपूत। ठीक है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कहते हैं हम खस राजपूत हैं, ओके, मानव विज्ञान कहता है कि आप मंगोल प्लस तिब्बती नस्ल हैं, ओके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो आप इसका ध्यान रखना कि मंगोल प्लस तिब्बती नस्ल कहलाते हैं भोटियास, और मंगोल प्लस डोम नस्ल कहलाते हैं राजी। अब एक सवाल इस तरह से और आता है कि मंगोल नस्ल के सबसे नज़दीक कौन हैं, मंगोल नस्ल के सर्वाधिक निकट हैं थारू। ओके, क्लियर है, कुछ पूछना है? ठीक, आगे चलते हैं। अब वर्ण प्रथा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार अलग अलग वर्ण हैं, ये जो ट्रेडिशन है हमारा, जौनसारी जाति इस वर्ण प्रथा को मानती है। ये अलग अलग वर्णों में बनी हुई है, एक तो खसास, दो तरह के खसास हुए, एक खसास ब्राह्मण और एक खसास राजपूत। जौनसारियों में ये उच्च वर्ग माना जाता है, उच्च वर्ग को सबसे सम्मानित वर्ग माना जाता है, खसास ब्राह्मण और खसास राजपूत। ठीक है, उसके बाद इसी में एक तीसरा, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख देता हूँ, दूसरा खसास ब्राह्मण और खसास राजपूत के बाद आते हैं कारीगर,
शिल्पी, कारीगर या शिल्पी। इसमें समाज में सबसे निम्न वर्ग जो माना जाता है वो माना जाता है हरिजन खसास, जिसे कोल्टा भी कहते हैं। जौनसारी समाज में ये जो तबका है वो सबसे पिछड़ा है, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में होता था, खैर अब तो आधुनिक ज़माने में ये सब जातें ख़त्म हो गई, लेकिन अगर हमने पढ़ना चाहे तो हम ये कहेंगे कि हरिजन खसास जो थे, जिन्हें हम कोल्टा भी कहते हैं, वो जौनसारी समाज में सबसे निम्न दर्जे पर आते थे। भोटियाज में वर्ण प्रथा नहीं है। अच्छा, बुक्सा जो है वो एक समान गोत्र में कभी भी शादी नहीं करेंगे, जो गोत्र है ना, गोत्र कुल वगैरह, तो एक समान गोत्र में कभी भी बुक्सा शादियां नहीं करते हैं। भोटियाज में बाल विवाह नहीं होता, चाइल्ड मैरिज जो है भोटियाज में नहीं होती आमतौर पर। और थारू, बुक्सा, जौनसारी और राजी में बाल विवाह हो जाता था। मैंने लिखा बाल विवाह हो जाता था, पहले की बात थी ये, अब ये सब चीज़ें अतीत की हो गई हैं। अब किसी भी जातीय समाज में बाल विवाह जो है वो रेयर ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर बाल विवाह का चलन था, तो थारू, बुक्सा, जौनसारी और राजी में था, ठीक है ना। बाल विवाह कहाँ नहीं होता था, भोटिया जाति में नहीं होता था। अच्छा, अब इसी तरह से एक जाति है राजी, तो राजी जाति में घर जमाई प्रथा रही है, है ना। आप लोग जानते हैं ना घर जमाई, बताने की जरूरत थोड़ी है, है ना। तो राजी जाति में घर जमाई प्रथा होती थी, बाल विवाह भी होता था और पलायन विवाह भी होता था। मैंने यहाँ पर इन सबको पास्ट टेंस में प्रयोग किया है, वो इसलिए किया है कि अब ये जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं धीरे 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 ये समाज की मुख्य धारा में आती जा रही हैं और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाती जा रही हैं। तो अब इसका चलन बहुत ही कम हो गया राजी जाति में भी, किसका, घर जमाई बनने का, बाल विवाह का या पलायन विवाह का। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि किसमें होता था पलायन, पलायन विवाह ऐसे समझ सकते हो आप कि अपनी मर्जी से शादी कर लेना, ठीक है। भोटियाज में एकल विवाह, यानी कि एक स्त्री है तो एक ही विवाह कर रही है, एक पुरुष है तो एक ही विवाह कर रहा है, बहुपति या बहुपत्नी प्रथा इसमें नहीं है भोटिया जाति में, ठीक है। लेकिन जौनसारियों में बहुपति प्रथा होती थी, यानी कि एक ही स्त्री के कई पति हो सकते थे, अब नहीं है ऐसा। इक्का दुक्का कहीं एग्जाम्पल हो तो हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछे किस जाति में जो बहुपति प्रथा का चलन था, तो जौनसारी में और खसों में भी, ठीक है। आगे चलें, पशु बलि प्रथा, पशुओं की बलि देना भोटिया में था, थारू में था और बुक्सा में था। अब सरकार के और समाज के प्रयासों से ये प्रथाएं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे चैती देव, चैती जो मेला होता है ना, वहाँ पर चैती मेला जो है बुक्सा जाति का सबसे बड़ा मेला है और बुक्सा जाति का सबसे बड़ा तीर्थ भी है काशीपुर में, चैती क्षेत्र जो है। तो यहाँ पर हर साल मेले में पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन अब सरकार और समाज के आपसी सहयोग से, समझाने बुझाने से, यहाँ पर पशु बलि की जो प्रथा वो ख़त्म हो गई है। तो खैर, अतीत में पशु बलि प्रथा रही किन में, भोटिया में, थारू में और बुक्सा में, ओके। अच्छा, थारू और बुक्सा जो हैं दोनों ही मछली चावल और तंबाकू के शौकीन हुआ करते थे। नहीं, मछली चावल तो अब भी प्रिय भोजन है, है ना, लेकिन तंबाकू का चलन अब धीरे 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 कम होता है। लेकिन अतीत में तंबाकू का, मछली चावल का और शराब का सेवन खूब होता था, अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मछली चावल तो सभी खाते हैं। अच्छा, अब आता है कि कौन सी जाति पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाती है, पत्थरों और लकड़ी के मंदिर बनाती है, जौनसारी। कौन सी जाति कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करती है, कलात्मक वस्तुएं कोई सी भी हो सकती हैं, है ना भाई। एक तो आपने एक बेड बनाया, सिंपल सा बेड बनाया, चार कोने और उसके नीचे पाए लगाए, पाए समझते हैं ना, पिलर हो गया, लेकिन उसी को सजाना संवारना है ना, वो हो गया आपका कलात्मक वस्तु। तो जौनसारी जाति जो है वो कलात्मक वस्तुओं का न केवल संग्रह करती है बल्कि बहुत ज़्यादा उनकी टेंशन नहीं लेती है, एक जगह रख दिया, अब देवता जो है खुद उनकी रक्षा करेंगे, देवताओं को उनका रक्षक मानती है। आंगन में पूजा स्थल, थारू जाति के लोग अपने घर में जो सामने आंगन होता है, समझते हैं ना आंगन, जहाँ पर घर में आंगन होता है, तो आंगन के सबसे लास्ट में जाकर के एक छोटा सा मंदिर नुमा आकृति बना लेते हैं, आमतौर पर शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर कर लेते हैं, वो भी मिट्टी से बना हुआ होता है। तो किस जाति के आंगन में ही पूजा स्थल पाए जाते हैं, थारू जाति में, ठीक है। किस जाति में महिलाएं सर्वाधिक सम्मानित हैं, जौनसारी जाति में। इस जाति में महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है और महिलाओं को विशेष आज़ादी, अभी विशेष आज़ादी किस प्रकार की है फिर कभी डिस्कशन कर लेंगे, तो महिलाओं को विशेष आज़ादी किस में मिलती है, थारू जाति में मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनकी बात हो गई, यहाँ तक हमने बात कर ली। अच्छा, अब यही पर एक चीज़ आती है कि गावला या ग्वाला, गावला या ग्वाला, भूम्याल, बेंगरेंग, चिम, ये किस जाति के, किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो ये भोटिया जाति के प्रमुख देवता हैं। कौन से, गावला या ग्वाला, भूम्याल, बेंगरेंग, चिम, भोटिया जाति के प्रमुख देवता हैं। उसी तरह से जौनसारी जाति के सबसे प्रमुख देवता हैं महासु, मैंने अभी पहले बताया भी आपको, महासु या महाशिव, इनको चलता या चलांदा भी कहते हैं, एक जगह रिक्त नहीं है ये, जगह जगह घूमते रहते हैं, इसलिए इनको चलता या चलांदा भी कहते हैं। कौन सी जाति के देवता हैं महासु,
जो अंसारी जाति के। अच्छा अब बात करते हैं हम प्रमुख तीर्थों की, खासकर जो तीर्थ हैं उनकी बात करते हैं। जौनसारी जाति का सबसे प्रमुख तीर्थ है हनोल, सबसे खास तीर्थ है, तीर्थ समझते हैं ना, तीर्थ। मुस्लिमों का सबसे प्रमुख तीर्थ कौन सा है आप बताओ मिश्रा, मुस्लिमों का सबसे प्रमुख तीर्थ कौन सा है, मुस्कान आप बताओ है? कुली फिल्म देखिए, उसमें गाना शब्बीर कुमार साहब ने गाया, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना है, न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वालों को मेरा सलाम कहना। सुना मक्का मदीना, मक्का और मदीना जो हैं वो मुस्लिमों के सबसे खास तीर्थ हैं। उसी तरह से जौनसारी जाति का सबसे प्रमुख तीर्थ है हनोल और दूसरे नंबर पर लाखा मंडल। बुक्सा जाति का सबसे प्रमुख तीर्थ है चैती, सबसे प्रमुख तीर्थ जो है वो चैती। मक्का मदीना को त्यौहार होते हैं क्या? त्यौहार नहीं है ना, तीर्थ स्थान है। उसी तरह से चैती त्यौहार नहीं है, चैती जो है वो तीर्थ स्थान है। कौन सी देवी विराजमान है यहाँ? माता बाल सुंदरी, है ना। तो बुक्सा जाति के सबसे खास जो देवी या देवता हो सकते हैं वो है बाल सुंदरी, ध्यान रखना माता बाल सुंदरी। अब उसके बाद आती है सबसे खास त्यौहार, तो जो जौनसारी जाति है उसका सबसे खास त्यौहार, सबसे खास त्यौहार जो है जौनसारी जाति का वो है बिस्सू, जो हम लोग बैसाखी के रूप में मनाते हैं ना जिस त्यौहार को, तो जौनसारी जाति के लोग उसको मनाते हैं बिस्सू के नाम से। ये मैंने लिखा NY न्यू ईयर, ये इनका न्यू ईयर है, ठीक है। बिस्सू कब मनाया जाता? बैसाखी के दिन मनाया जाता। कौन मनाते हैं? जौनसारी। और क्या है ये इनके? नए साल का त्यौहार है। उसी तरह से बुक्सा और थारू का सबसे खास त्यौहार है होली, ठीक है। भोटिया और जाट जाति का सबसे खास त्यौहार है लोहसर, ये लिखा मैंने बापा। बसंत पंचमी जो हम मनाते हैं ना, तो उसको जाट और भोटिया जो हैं वो लोहसर के नाम से मनाते हैं। इस दिन जो भेड़ों की जो ऊन है ना वो उतारी जाती है, या भेड़ों की ऊन उतारनी शुरू होती है, ठीक है, बसंत पंचमी को। बजहर जो है थारू जाति का एक त्यौहार है, और ये आठ दिनी क्या लिख दिया मैंने, आठ दिनी होली लिखना चाहिए था। थारू जाति जो है वो होली को लगभग आठ दिन तक मनाती है। वैसे पहले तो आज से मेरे बचपन में मैंने देखा है कि महीना महीना भर होली चलती थी, 15 दिन पहले तो 15 दिन बाद तक। अब धीरे 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 अब लोग कमाने धमाने के चक्कर में इतना पड़ गए हैं कि त्यौहार भी केवल सांकेतिक से होते जा रहे हैं। रक्षाबंधन आया, बहन आ गई, राखी बांधो 2 मिनट में, 30 मिनट में नेक लो, और 4 मिनट में बाय बाय टाटा, और भैया आज छुट्टी है, सोऊंगा मैं, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, है ना, ठीक है। तो खैर, तो बजहर थारू जाति का त्यौहार है। थारू जाति होली जो है वो 8 दिन तक मनाती है, होली थारू जाति का त्यौहार है। अच्छा हाँ, ऐसे लिख तो दिया मैंने, 8 दिनी होली, यहाँ से पूरा ऐसा होना चाहिए था, 8 दिनी होली कौन मनाते हैं? थारू, ठीक है। दिवाली जो है थारू जाति इसको शोक के रूप में मनाती है, गम का त्यौहार, ठीक है ना। दिवाली जो है थारू जाति इसे गम के त्यौहार के रूप में मनाती है, ठीक है। सवाल आता है कौन सी जाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है, तो थारू जाति। बूढ़ी दिवाली जौनसारी मनाते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय दिवाली है, पूरे भारत में दिवाली मनाई जाती है, उसके 30 दिन बाद जौनसारी अपनी दिवाली मनाते हैं, जिसे कहा जाता है बूढ़ी दिवाली, ध्यान रखना। कौन सी जाति राष्ट्रीय दिवाली के 1 महीने बाद दिवाली का त्यौहार मनाती है? जौनसारी, और इसको कहा जाता है बूढ़ी दिवाली। कंडाली फेस्टिवल हर 12 साल में एक बार होता है, भोटिया जाति का ही कंडाली फेस्टिवल, हर 12 साल में एक बार भोटिया जाति का ही। शूरगेन, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, है ना, ऊपर कहीं लिखाया है, तो शूरगेन जो है वो जाड और भोटिया जाति का त्यौहार है, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो लोहसर है, जाड और भोटिया दोनों का त्यौहार जो है वो लोहसर है, और सिंपली सूरगेन जो है वो जाट जाति का त्यौहार है। जौनसार भावर का एरिया कौन सा हुआ? देहरादून में, हनोल, त्यूनी, फलसी वगैरह, इन्हें हम कहते हैं जौनसार भावर, जहाँ पर जौनसार जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जौनसार भावर एरिया का सबसे बड़ा जो मेला है वो नुड़ाई, जौनसार भावर क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला है नुड़ाई, ये भेड़ पालकों का मेला कहा जाता है, नुड़ाई मेला। जागड़ा जौनसारी जाति का त्यौहार है, और इस दिन जो है इनके सबसे प्रमुख देवता जो महासू हैं, महाशिव, उनको विशेष रूप से स्नान कराया जाता है, और नदियों में या तालाबों में उनका विसर्जन किया जाता है। दशहरा जौनसारी जाति के लोग मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं उसको पांचों या पायता के नाम से, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मैंने जो मैरिज की बात की थी तो उसमें बताया था कि बदला या 3 टिक थी, ये थारू जाति का रिवाज है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं किसी, जैसे मान लीजिए ये हैं,
ये है ना, मेरी तो शादी नहीं हुई है, ठीक है ना, मान लीजिए ये हैं तो इन्होंने इस घर में शादी की, तो अब ये इस घर में शादी करेंगे, इसको हमने कह दिया बदला प्रथा, यानी कि जिस घर से कन्या लेना है तो अपनी कन्या उस घर को देना भी, तो इसको हम नाम देते हैं बदला या तीन टिकते प्रथा थारू जाति में, ठीक है ना। फिर एक आता है मालगति, मालगति को मैंने ब्रैकेट में लिखा है वधू मूल्य, इसका मतलब ये है जैसे आजकल दहेज प्रथा चल रही है ना, क्या है दहेज प्रथा है ना, कि तुम जो है कि बस पैदा हो जाओ, लड़के लोग पैदा हो जाओ है ना, जैसे तैसे खा पी के बड़े हो जाओ, और अपने बाल बाल का ध्यान रखना, बाल चेहरे मोहरे का ध्यान रखना, और इधर टैटू वेटू लगा लेना है ना, समझ गए, और उसके बाद कोई ना कोई खरीद ही लेगा तुम्हें, हाँ क्या बोल दिया मैंने, सॉरी है ना, मैं कमेंट कर रहा हूँ, कटाक्ष कर रहा हूँ दहेज प्रथा पर, ठीक है ना। तो दहेज वहेज मत लिया करो भाई, अपने हाथ पैरों पे भरोसा रखो, हाँ ठीक है ना, हाँ ये हाँ ओके। तो खैर देखो वो बात तो अलग है, जितनी बड़ी तुम्हारी जॉब लग जाती है उतनी तुम्हारे रेट बढ़ जाते हैं ना, और खुदा ना खास्ता तुमने बिना दहेज के शादी कर ली गई, जिसे कहते हैं ना पलायन विवाह, है भाई लड़को तुमने कहीं बिना दहेज के शादी कर ली तो तुम्हारे अम्मा अब्बा तो अरे क्या कर लिया मेरे बेटे ने, हैं ठीक है चले खैर कहाँ थे। तो हाँ अब ये यहाँ पर कुछ अब खैर अब ये रिवाज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो किधर से हम थारू जाति में बुक्सा जाति में मालगति या वधुमूल्य, वधुमूल्य का मतलब क्या हो गया कि जिसके आप शादी करने जा रहे हो तो बहू को कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देनी पड़ेगी, वर पक्ष जो है वधु पक्ष को कुछ गिफ्ट देगा, यही हो गया आपका मालगति या वधुमूल्य प्रथा। कौन सी जाति में? बुक्सा जाति में। उसी तरह से वधुमूल्य प्रथा राजी जाति में भी है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली उसका नाम है मालगति बुक्सा जाति में, ठीक है। फिर आता है अब बहुत सारे नरकट नरकुल होते हैं ना, मतलब ऐसे घासफूस जिनका तना मोटा होता है, तो पहाड़ में आपको ये मिलेंगे रिंगाल और मोस्टा, ऐसे तने ऐसी घासफूस जिनका तना थोड़ा सा मोटा होता है, तो उससे आप तरह तरह की जो चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की, जैसे छाज हैं, डलियाँ हैं, पंखे हैं, चटाइयाँ हैं, दरियाँ, ये चीज़ें आप बना लेते हैं। तो रिंगाल और मोस्टा शिल्प भोटिया जाति में, नरकट या नरकुल शिल्प जो है इसमें माहिर जो है बुक्साज भी, बुक्सा भी इसमें माहिर हैं, तरह तरह के चटाइयाँ बनाना, और वो क्या होती है भाई मेरे गांव में तो उसे छंटियाँ कहते हैं ना, छोटी छोटी टोकरियाँ ना, धान जब निकालते हैं ना ऐसे ऐसे करके तो बना लेते हैं वो। खैर अर्धघुमंतु जाति या वो जाति जो ऋतु प्रवास करती है भोटिया, कल बताया था ना मैंने पिछले सेशन में बताया था, ऋतु प्रवास बताया था क्यों मैडम, ऋतु प्रवास बताया था, सीजनल शिफ्टिंग बताया था, नहीं बताया था। अच्छा ये बताओ आजकल हम लोग पहाड़ पे वो भाग रहे हैं, खूब गर्मी हो रही है ना, खूब गर्मी हो रही है, पहाड़ पे भाग रहे हैं, अब इतना दम तो है नहीं हमारी जेब में कि महीना महीना भर वहाँ पड़े रहें। अच्छा अगर मान लो इतना दम होगी कि महीना भर पढ़ा रहे हैं तो हमें छुट्टी कौन देगा इतनी, या फिर पैसा मान लो फिर हमारे जो घर के इधर के काम हैं, घर में कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, है ना, वो तो मर जाएंगे हमारी याद में, अब उन्हें साथ तो घुमा नहीं सकते। हाँ ऐसा भी होता है भाई, चलो यार मेरा कुत्ता बिल्ली इंतजार कर रहे होंगे, खाते नहीं हैं, भले बड़े शरारती हो गए ना, हम तो साथ ही खाएंगे, तुम फ़ोन करो बुलाओ कि ये खा नहीं रहा, ये कुछ खा नहीं रहा, आ जा भाई, है ना, इतना इसने खाना पीना छोड़ दिया, जल्दी आ जा, इनके कुत्ते बिल्लियों में भी दिमाग हो गया भाई, ये जल्दी बुलाने का तरीका क्या, खाना पीना छोड़ दो। अच्छा अच्छा तो भाई नहीं जा पाते, सपोज आप गर्मी लग रही है आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या करें, है ना, चलो भाई 15 दिन नैनीताल घूमाते हैं, या क्या नैनीताल कोई सा भी ताल चले जाओ, या हिल स्टेशन पर आप चले जाओ, है ना। अब सर्दियाँ यहाँ पर होती हैं तो सर्दियों में हम लोग कहाँ भागते हैं, साउथ में भागते, नहीं भागते केरल तमिलनाडु के टूर होते हैं, साउथ के टूर करते हैं हम सर्दियों में, समझ गए। तो एक जगह पर मान लो कोई ऐसा सीजन आया कि वो कांटे से नहीं कट रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो दूसरे किसी जो है कि आसान जलवायु में हम चले गए, यहाँ से एक आध महीना पहाड़ पर आए, अब जब सर्दियाँ खूब हुई तो पहाड़ के लोग अपने यहाँ किसी रिश्तेदार के महीने दो महीने काटने आ गए, तो यही हो गया आपका ऋतु प्रवास। तो पहले सेशन में मैंने इसको बताया है, भोटिया जाति के लोग जो हैं वो जब भी गर्मी का महीने शुरू होते हैं, लेट फरवरी यानी कि 15 फरवरी के बाद जो है वो लोग नीचे के पहाड़ों से अब ऊपर के पहाड़ों की ओर चले जाते हैं, और जैसे ही सितंबर शुरू होता है, 15 सितंबर के बाद सर्दियां शुरू होती हैं, बर्फ़ पड़ने लगती है, तो ऊंचे पहाड़ों से उतर के नीचे पहाड़ों की ओर आ जाते हैं, है ना। ज़्यादा मैंने फर्स्ट सेशन में बता रखा है। तो ऋतु प्रवास या सीजनल शिफ्टिंग या माइग्रेशन किस में होता है, सीजनल माइग्रेशन भोटिया में होता है, तो इसी को इसलिए इनको कह देते हैं हम अर्धघुमंतु। अर्धघुमंतु इसलिए कहते हैं कि साल भर में एक बार ये लौट के अपनी जगह पर आ जाते हैं, घुमंतु हम इनको कहते हैं अगर ये अब लौट के अपनी जगह पर आते ही नहीं, तो हम इनको कहते हैं घुमंतु, तो ये है अर्धघुमंतु, ठीक है। मूल रूप से शिकारी और संग्रहकर्ता बुक्सा, धान की खेती करते हैं थारू, और झूम काटिल विधि से खेती करते हैं राजी। झूम काटिल विधि जानते हो, पिछले सेशन में पढ़ाया था मैंने,
इसे दहन कर्तन भी कहते हैं, ऐश वर्निंग भी कहते हैं, ना? हाँ, इसका मतलब देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, इसे आदिमकालीन कृषि भी कहते हैं या पुराने ज़माने की खेती भी इसको कहते हैं। उस समय क्या होता था ना, आजकल देख रहे हो ना बड़ी बड़ी हैरो हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं ना, जेसीबी मशीन आ रही हैं जी, तो फोन आने से पहले कहाँ थे हम, झूम खेती। वो गाना सुना है, झूम बराबर झूम शराबी, सुना सुना है, कहाँ सुन लिया तुमने, हैं? काली घटा है, मस्त हवा है ना, झूम बराबर झूम शराबी, किसने गाई कवाली है, झूम बराबर झूम शराबी किसने गाई, एक रुपए का इनाम, अजीज नाजा कब्बाल और उनके हमनवा। हम लोग छोटे थे ना तो रेडियो चलता था, तो वो उर्दू सर्विस वगैरह चलती थी, तो अब आपके सामने आपकी खिदमत में पेश है मशहूर कव्वाली, और इसको गाया है अजीज नाजा कव्वाल और उनके हमनवा। हमनवा मीन्स कलीग्स, है ना, साथी। ओके, तो वो वाला झूम नहीं है ना। तो यहाँ पर होता क्या था, उस दौर में बड़े बड़े हैरो ट्रैक्टर तो होते नहीं थे, ले दे के छोटे मोटे हंसिए कुदाल होती थी, उन्हीं से खेती की जाती थी। तो अब ज़मीन को जोतना खोदना, जंगलों को साफ करना बड़ा मुश्किल होता था। तो अब होता क्या था कि हमारे जो पूर्वज थे, खास करके जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, वो जंगलों को झाड़ियों को उन्होंने आग लगाई, दूर दूर तक आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो सारे पेड़ झाड़ियाँ वाड़ियाँ जल गई, ठीक है। अब उसके दो फायदे हुए, एक तो उसकी जुताई करना आसान हो गया, दूसरा जब उसमें जब हम उसको जलाते थे ना तो उसमें 4-5 साल तक नमी अच्छी खासी रहती थी, थोड़ी बहुत बारिश हुई और हमने उसमें खेती कर ली, और जो भी कुछ भी ये घास फूस हम जला देते थे वो खाद का काम करती थी। तो 5-6 साल तक हमने उस ज़मीन में खेती की, उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि उस ज़मीन की पैदावार घट गई, हम आगे को बढ़ गए, फिर 5-6 साल हमने वहाँ खेती की, फिर आगे को बढ़ गए। तो ये जो तराई भावर आप देख रहे हो, आज यहाँ पर जंगलों के नामों निशान नहीं है, ऐसे ही तो साफ हो गई, ये जंगल ऐसे ही साफ हुए। तो इस विधि, इस खेती को हम कहते हैं झूम काटिल विधि से खेती करना, इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको, और इसको हम आदिमकालीन कृषि भी कहते हैं। तो झूम काटिल विधि से हमारे खेती करते हैं राजी या वन रावत, और ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर, ढलान वाले पहाड़ों पर सीढ़ियाँ बना करके या सीढ़ीदार खेती करते हैं भोटिया। मूल रूप से भेड़ पालक हैं भोटिया, यानी कि भोटियाज का जो मुख्य पेशा था वो था क्या, भेड़ पालन, पशुपालन। अब खेती भी करने लगे, सरकारी नौकरियों में आने लगे, है ना। उत्तराखंड में अगर ट्राइबल की बात करें तो सरकारी नौकरियों में आपको सबसे ज़्यादा भोटियाज और दूसरे नंबर पर जौनसारी मिलेंगे, ठीक है। मूल रूप से भेड़ पालक भोटिया और जौनसारी भी मूल रूप से भेड़ पालक हैं। मूल रूप से काश शिल्पी है ना, बढ़ई शिल्प या काश शिल्पी जोन है राजी। अगर जीव टाइप का जो पशु पालते हैं वो भोटिया पालते हैं। अदृश्य व्यापारी कौन कहलाते हैं, राजी। क्या बताया था मैंने अदृश्य व्यापारी पे, बताया था पिछले सेशन में। राजी जाति के जो लोग हैं वो अब तो खैर नहीं, लेकिन अतीत में पूरे समाज से कटे रहते थे, आम लोगों के सामने आते नहीं थे, शर्मीला स्वभाव था इनका, हम लोगों के या समाज के जो आम लोग हैं उनके सामने नहीं आते थे। अब क्या करें साहब, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फल सब्जियाँ, तरह तरह के फल सब्जियाँ, सेब संतरा देख लिया इसको चाहिए, है ना, घी तेल नमक वगैरह ये चीज़ें चाहिए, तो क्या करें। तो अब जैसे डीडीहा धारचूला कनाली छीला मुंसहरी जैसे इलाके हैं, यहाँ पर यहाँ के घने जंगलों में ऊंचे पहाड़ों में राजी जाति के लोग खूब मिलते हैं। तो आसपास के जो कस्बे हुए या छोटे मोटे गांव हुए, तो वहाँ पर कोई ना कोई शॉपकीपर या दुकानदार होता है, कोई शहद बेच रहा, कोई घी तेल बेच रहा, कोई लकड़ी के, कोई तरह तरह के, कोई कपड़ा बेच रहा, तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे अतीत में, रात को आते थे और लकड़ी के बहुत सारे सामान ये बनाते थे, लकड़ी के बहुत सारे सामान बनाते थे, इसके अलावा जंगल में और जो कुछ भी मिलता है वो आए और किसी दुकान के सामने रख गए, ठीक है। अगले दिन दुकान खुली, वो व्यापारी ने देखा कि अभी कितना सामान रखा, इसकी कीमत कितनी होगी, और धीरे धीरे परंपरागत रूप से उसको यही पता चल गया कि मेरी दुकान में क्या है और इनको किन चीज़ की, इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो अगले दिन अपनी जब वो दुकान बंद करता है रात को, तो उनकी ज़रूरत का सामान, जितना सामान वो उसकी दुकान के सामने रखे थे उसी मूल्य का सामान उनकी ज़रूरत का वो अपनी दुकान पर रख के चला जाता, बाहर रख के चला जाता, रात को वो लोग आएंगे उठा करके ले जाएंगे। इसे कहते थे बेटा किसी ज़माने में रामराज, क्या कहते थे, रामराज, है ना, इसे किसी ज़माने में कहते थे रामराज। पहाड़ पे ये चीज़ अभी भी जिंदा है, कोई चीज़ जहाँ छूट गई तो छूट गई। आप हिल स्टेशन पर चले जाओ, गाड़ी ऐसी खुली छोड़ जाओ, आपकी गाड़ी में कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, है ना, बस नीचे के लोग ना चढ़े ऊपर पहाड़ पे हैं। चले भाई, समझ गए कहाँ थे, हाँ कहाँ थे, बता दिया ना, हाँ। तो आदर्श व्यापारी या इनविजिबल ट्रेडर्स कहे जाते थे कौन, राजी।
अच्छा, अब ऐसा समाज जहाँ पर स्त्रियों का विशेष मान सम्मान होता है, फैसले लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है, उसे हम कहते हैं मात्र सत्तात्मक समाज। और ऐसा समाज जहाँ पर फैसले लेने में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, उसे हम कहते हैं पितृ सत्तात्मक समाज। तो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ थारू, बाकी सारे हैं पितृ सत्तात्मक, यानी कि पिताजी की चलती है। ठीक है, आपके यहाँ भी पिताजी की चलती होगी, है ना? हमारे यहाँ तो मम्मी की चलती है, नहीं हमारे यहाँ चलती है बड़े भाई साहब की, तो उसे क्या कहेंगे? जहाँ पर बड़े भाई साहब की चलती है तो वो कौन सा सत्तात्मक समाज हो गया? वो पितातुल्य तो हो गया। मातृसत्ता और पितृसत्ता का मतलब है कि वर्चस्व किसका फैसले लेने में, घर की महिलाओं का या घर के पुरुषों का। ठीक है ना साहब? तो जौन सारी जाति संयुक्त परिवार में रहती है, और गोदना गुदवाना, जिसे आप कहते हैं टैटू, जिसे आप कहते हैं टैटू, है ना, है लोग शरीर कोई जगह नहीं छोड़ते, इधर ये टैटू वो टैटू, पता नहीं क्या अच्छे खासे कुदरती, मतलब कुदरत ने अच्छी खासी स्किन दी है उसको, काले काले रंगों से, किसी ने सांप बना रखा, किसी ने फूल भंगड़िया बना रखी हैं, भले भैया। अब किसी ने कह दिया कि यहाँ पर टैटू बनाना, बनवा लिया, और जब बातचीत बंद हो गई तो उसे छिलवाए फिर रहे हैं कि देखिए ये कैसे हटेगा, देखिए ये कैसे हटेगा। क्यों सर, सही कह रहा हूँ ना? हाँ चले साहब, तो टैटू यानी कि गोदना, गोदना यानी कि टैटू, हाँ वही समझ में आ गया। तो थारू जाति की जो महिलाएं हैं उन्हें खास रूप से पसंद था गोदना गुदवाना, टैटू। अब धीरे धीरे ये चलन भी खत्म होता जा रहा है, नहीं तो मेलों में गए तो यहाँ पर अपना और अपने पति का नाम या कुछ देवी देवता यहाँ पर, अच्छा एक प्रमुख चिन्ह होता था ओम, ओम का जो चिन्ह होता था वो यहाँ पर जरूर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो रिवाज खत्म होते जा रहे हैं। अब तो चलन ये है, पता नहीं कोई सी भी जाति हो, जनजाति हो, आम समाज के लोग हों, चलो इस चीज़ को हम नहीं बोल रहे, आगे चले। चावल की शराब पीने के शौकीन हुआ करते थे किसी ज़माने में थारू। अच्छा, अब कुछ गांव के नाम भी हैं, जैसे मेरे गांव के पास ये गांव है मजरा करके, उसका नाम मजरा हसन करके, बुक्सा जाति के लोग वहां पर रहते हैं, तो बुक्सा जाति का जो गांव होता है उसको आमतौर पर कहते हैं मजरा। थारू जाति का जो गाँव होता है उसे आमतौर पर कहते हैं पुरवा। क्या कहते हैं? पुरवा। ठीक है ना, उसी तरह से आगे चलें तो भोटिया जाति के लोग, सर्दियों का इनका जो निवास होता है उसे कहते हैं गुंडा या मुंसा। इनका जो सर्दियों का घर होता है, सर्दियों का रहने वाला जो घर होता है उसे गुंडा या मुंसा कहते हैं, और इनका जो गर्मियों में रहने का घर जो होता है वो होता है मैथ। ठीक है, अब मैंने कही बात जमाओ, यानी कि ये लोग किस जगह पर ज़्यादा मिलते हैं। जमाओ कल छुट्टी है, ठीक है, जमाओ का मतलब कल छुट्टी हो परसों सेम टाइम पर आना। ठीक है, जौनसार भावर जो है वो देहरादून में, जौनसारी जाति का जो खास एरिया है वो है जौनसार भावर, देहरादून में कालसी, चकराता, त्यूनी और लाखा मंडल। देहरादून में कालसी, चकराता, त्यूनी और लाखा मंडल के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जौनसारी जाति सबसे ज़्यादा मिलती है, और इसी को हम कहते हैं जौनसार भावर। ठीक है, थारू जाति उत्तराखंड में सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आकर बसी, कहाँ पर? बनबसा में। बनबसा किस जिले में? चंपावत जिले में। ठीक है ना, थारू जाति सबसे पहले 16वीं सदी में आकर के बसी बनबसा जिले में। बुक्सार का एरिया, वो इलाका जहाँ पर बुक्सा जाति के लोग ज़्यादा मिलते हैं, उस इलाके को हम कहेंगे बुक्सार। तो बुक्सार आपको देखने को मिलेगा नैनीताल की रामनगर तहसील और ऊधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बुक्सा जाति के लोग मिलते हैं, इसी को हम कहते हैं बुक्सार। अच्छा, जो देहरादून के बुक्सा हैं उनको लोकल नाम उनका वहाँ पर है मेहर या मेहरा। अच्छा, बुक्सा आपको पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा तहसील में, देहरादून में विकास नगर में, देहरादून में ही डोईवाला और देहरादून में ही सहसपुर में भी आपको बुक्सा लोग खूब मिलेंगे। ठीक है ना, अपेक्षाकृत खूब मिलेंगे। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में, भागीरथी नदी का जो ऊपरी इलाका है, ऊपरी घाटी है, वहाँ पर आपको जाट जाति के लोग खूब मिलेंगे। ठीक है, थारू जो हैं, थारू सबसे ज़्यादा आपको उत्तराखंड में मिलेंगे बनबसा और खटीमा तहसीलों में। बनबसा, चंपावत और खटीमा, रूपाली मैम खटीमा तहसील किस जिले में है? ऊधम सिंह नगर जिले में। ठीक है ना, खटीमा तहसील पुष्कर सिंह धामी जी का जो पैतृक निवास है वहीं पर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चले साहब, अच्छा अब यहाँ पर जैसे मुंडा भाषा, ये किसकी है? राजी जाति की। अच्छा, भोटिया महिलाएं कुछ खास किस्म के वस्त्र पहनती हैं, लवा उनका ब्लाउज, लडवा उनका स्कर्ट और पगड़ी उनकी साड़ी। ठीक है, उसी तरह से जौनसारी जाति, जैसे वो नहीं आया था प्लाजो है भाई, एक खास रही ड्रेस तो गई और एक सूट खूब चला था पटियाला। शाहरुख खान साहब ने एक फिल्म की थी DDLJ, दिलवाले दुनिया ले जाएंगे, तो उसमें उन्होंने वो पठानी सूट कहते हैं उसको, सलवार कमीज पहन ली थी। तो भैया तो जिसे देखो, वर्ष तो पहन ही नहीं थी, लड़के भी लड़कियों की तरह ये सिलवाए बड़ा, एक दिन हमने भी सिलवा लिया और घर पहन के निकल चले गए, तो पीछे से भाई साहब आ गए हाथ में लेके, क्या तभी तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ यहाँ। हाँ, घर में
या तो बच्चा देखो खानदानी रूप से उसे अच्छे संस्कार मिले हों, या फिर पीछे एक हो, इसे कहते हैं हम डंडा। क्या होता है डंडा? हमसे ना पहना गया फिर वो, है ना। अब धीरे 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 एक स्थिति ये हो गई कि हमारे शौक ही मर गए, है ना। अभी मैंने एक फिल्म का गाना गाया था ना, कुली, कुली फिल्म का गाना गाया था, तो शायद 1988 में आई थी ये फिल्म, तो बड़ी बेचैनी थी इसको देखने की। आज कौन सी बीमारी को पता ही नहीं, है ना। क्यों इमरान जी, है ना, हाँ आज पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, क्रिकेट का शौक बिल्कुल बरकरार है भाई। लेकिन अब बूढ़ी हड्डियाँ खेलने की इजाज़त नहीं देती हैं, तो जाके लेट के देखते रहते हैं। वो आपको पता ही, आजकल तो रोज़ क्रिकेट है ना। चले भाई आगे। तो पगरी साठ जौनसारी सोंतड़ू, जौनसारी जाति में सोंतड़ू ऊनी कोट पाजामा, ऊनी ऊन से बना हुआ कोट और पाजामा, उसको कहते हैं सोंतड़ू। अभी जैसे खास किस्म की पोशाक है, जैसे शेरवानी है ना, हाँ। सिंकोली ये ऊनी टोपी है जौनसारी जाति में। झगा ये गर्मी का है स्त्रियों का कुर्ता। झगा माने ये गाउन है, ये मैं मुझे लिखना चाहिए था, गाउन जैसा है ये, गाउन जैसा झगा। इसके अलावा घाघरा। अच्छा, जाट जाति में भी दो पोशाक खूब मिलती हैं, एक टपकन गर्म गाउन है, वो गर्म गाउन का मतलब सर्दियों में पहना जाता हुआ है ना, और दूसरा पैंतुराणा, नहीं पैंतुराण जूता, पैंतुराण यानी कि जूता, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा क्या भाई, हो गया सर ये, हाँ कहाँ पर ये, हाँ अच्छा। हारुल जो है वो फोक डांस है, हारुल लोक नृत्य जौनसारी जाति का है, हाथ में परात लेकर के किया जाता है। इसके अलावा होली पर खिचड़ी डांस थारू जाति। पोणा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ये डांस है, नृत्य है, हाथ में रुमाल लेकर के भोटिया जाती। अच्छा, भोटियाज में एक है लोकगीत है तुबेरा। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में एक लोकगीत है रसिया, रसिया जैसा लोकगीत है ये भोटिया जाति में, जिसे हम कहते हैं तुबेरा। एक है बाजियू, भोटिया जाति का वीर रस का गीत है। इसके अलावा सामाजिक विषयों पर एक लोकगीत है जिसका नाम है तिमली, और हुड़का भोटिया जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत की है रिसर्च में, उनको सबको एक साथ समेटने में, लिखने में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे हौसला ही मिलेगा और मुझे पैसा ही मिलेगा। थैंक यू।